मध्य प्रदेश में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इनमें से एक सीट यहां पर हॉट सीट बनी हुई है और वो है बुधनी विधानसभा सीट। बुधनी विधानसभा सीट जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे, उसके बाद मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए केंद्र में एंट्री कर ली और केंद्र में उन्हें कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। ऐसे में अब आने वाले वक्त में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। रमाकांत भार्गव को भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे थे। कार्तिकेय सिंह चौहान की ये इच्छा थी कि वह बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि जिस तरीके से वह अपने पिता शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो बयानबाजियां दे रहे थे भोपाल में रोड शो और लोगों से मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे सियासी रूप से अब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। यानी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की राजनीतिक तैयारियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। क्या बीजेपी अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लेकर आगामी वक्त में लंबा इंतजार करवाती हुई नजर आएगी? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो केंद्र सरकार में शिवराज चौहान जो है वो सक्रिय हैं और ऐसे में आने वाला वक्त ये निर्धारित करेगा कि आखिरकार किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने की बात कही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान रमाकांत भार्गव के चुनाव प्रचार से नदारद नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों पर बीजेपी किस तरीके से अपना जाल बिछा पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।